बात दिल्ली में दो दर्दनाक हादसों की करते हैं जिनकी कहानी आपको हिला कर रख देंगे। ये खबर आपको सावधान करने वाली भी है। दिल्ली में हुए दो अलग अलग हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा दिल्ली के मुखर्जी नगर में हुआ, जहां कैब ड्राइवर ने 4 साल के बच्चे को कुचल दिया और फिर पकड़े जाने के डर से उसे अस्पताल ले जाने का नाटक करता है। आरोप है कि कैब ड्राइवर ने इलाज के नाम पर बच्चे को 5 घंटे तक दिल्ली की सड़कों पर इधर से उधर घुमाया, एक से दूसरे हॉस्पिटल तक ले गया, लेकिन एडमिट नहीं कराया। बच्चे ने 5 घंटे बाद कैब में ही दम तोड़ दिया। दूसरी खबर दिल्ली के पश्चिम विहार में हिट एंड रन मामले की है, जिसमें दिल्ली पुलिस की बड़ी लापरवाही खुलकर सामने आ गई है। पहले बात दिल्ली के मुखर्जी नगर की, जहां कैब ड्राइवर ने गाड़ी को रिवर्स करते वक्त 4 साल के बच्चे को कुचल दिया। भीड़ के जमा होने पर कैब ड्राइवर ने खुद को बचाने के लिए बच्चे को कैब में बिठाया और उसे अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन कैब ड्राइवर 5 घंटे तक बच्चे को दिल्ली की सड़कों पर इधर से उधर घुमाता रहा। बच्चे के साथ उसकी मां भी थी। आरोपी कैब ड्राइवर ने दावा किया कि कोई भी अस्पताल बच्चे को भर्ती करने को तैयार नहीं। 5 घंटे कैब में इधर उधर भटकने के बाद 4 साल के रोहित ने कैब में ही मां की गोद में दम तोड़ दिया। आरोपी कैब ड्राइवर राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हादसा शुक्रवार शाम का है। बैक कह रहा था, बैक करते टाइम में उसकी लग गई, यहाँ पे चोट लगा हुआ था सर, यहाँ पे थोड़ा गड्ढा सा पड़ गया था किसी से। बाद मेरे को 2 बजे के आसपास मेरे को पता चला, फिर मैं गया ट्रॉमा सेंटर बोला कि यहाँ तो लाए नहीं थे। फिर वहाँ से हिंदुरा गया, हिंदुरा भी बोला कि राममोहन अस्पताल लेके गए। फिर वहाँ से उसके बराबर में एक दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसने दम तोड़ा था। फिर वहाँ पे मैं जैसे गेट में एंट्री कर रहा था, मैं अंदर डॉक्टर से भी नहीं मिला सर, वो बाहर गेट पे लाश लेके आ गए थे, मेरे को गेट पे मिले थे सर। सुबह 5-6 बज गए थे, एक बजे से वो घुमा ही रहा था, धमकी भी दे रहा था। धमकी वहाँ जब शाम को वहाँ पे जहांगीरपुरी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए थे, उसने बोला मेरी घरवाली को बोला के, वो बोला के गाड़ी में भी आग लगा दूंगा, तुझे भी आग लगा दूंगा। आईएसबीटी पर ट्रॉमा सेंटर है, वहां ले जाकर बच्चे को एडमिट कराया जा सकता था। मुखर्जी नगर में भी कई हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जहां बच्चे को एडमिट कराया जा सकता है। लेकिन 5 घंटे तक बच्चे को एडमिट कराने की बजाय ड्राइवर इधर से उधर तक घुमाता रहा, ये बच्चे की मां का आरोप है। घटनास्थल मुखर्जी नगर से मेरे संवाददाता, हमारे सहयोगी राजू राज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के इंदिरा विकास कॉलोनी में शुक्रवार 1 बजे के करीब इसी गुरुद्वारे के ठीक सामने एक 4 साल का मासूम बच्चा जिसका नाम रोहित है, वो एक कैब के चपेट में आ गया। जब ये दुर्घटना घटी रोहित घायल था और लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए जब ये एक्सीडेंट हुआ था। लोग ड्राइवर का विरोध कर रहे थे, ड्राइवर ने आनन फानन में कहा कि वो बच्चे को इलाज कराने के लिए ले जा रहा है, जो भी खर्चा आएगा वो पे करेगा। इसके बाद बच्चे की माँ और घायल रोहित को उस कैब में बैठाया गया, लेकिन कैब ड्राइवर रोहित को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक घूमता रहा। पहले निरंकारी डिस्पेंसरी, बड़ा हिंदू राव, आरएमएल, 3-4 अस्पताल ले जाएगा। इस दौरान 4 से 5 घंटे का वक्त लगा और कैब के अंदर ही रोहित की मौत हो गई। रोहित की मौत के बाद लगातार कैब ड्राइवर परिवार पे दबाव बना रहा था कि वो पूरा मामला को रफा दफा कर ले, पैसे ले ले। बच्चे को सही समय पर इलाज नहीं दिया गया, जिसकी वजह से बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी ड्राइवर राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। रोहित की मां का दावा है कि कैब में आरोपी ड्राइवर ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। रोहित की मां ने बताया है कि आरोपी कैब ड्राइवर उन्हें 4 से 5 घंटे तक इधर से उधर घुमाने के दौरान 5 हॉस्पिटल ले गया। वो अस्पताल के अंदर जाता था और कुछ देर बाद बाहर आकर कहता था कि अस्पताल बच्चा को भर्ती करने को तैयार नहीं है, और इस 5 घंटे के दौरान रोहित की मौत हो गई। कार्रवाई तो करनी चाहिए ना उसको, जैसे सजा मिले। मेरा लड़का को ऐसे जिंदग गया, अब उसको सजा नहीं दूंगी मैं, ऐसे छोड़ दूं बच्चे को। धमकी भी देते थे? धमकी दिया, झाकरीपुर में लिया, झाकरीपुर में लिया था, बोला था वहाँ पे मैं अकेली थी, बोला था पहले उसको तेरे को, अब तेरा बच्चा को मारा, अब तेरे को ना मारूंगी, आग लगाऊंगी गाड़ी से। मैंने फिर गाड़ी से फटक डाल के घर पे आ गए। एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे? ये स्कूल के सामने, निरंकारी में स्कूल में। बच्चा आपका खेल रहा था? खेल रहा था उस टाइम मेरा बच्चा। ड्राइवर को जानते थे आप लोग? नहीं जानती, नहीं पहले से हम नहीं जानती, ड्राइवर को नहीं जानती हम।